बिहार विशेष पुलिस सशस्त्र विधेयक, हमें आशा है कि आपको अभी भूला नहीं होगा कि जब विधानसभा में इस बिल को पास किया जा रहा था तब विपक्ष के विधायकों के साथ क्या सुलूक किया गया था। आपको याद होगा कि किस प्रकार से बिहार के इतिहास में पहली बार विधानसभा के अंदर बिहार पुलिस के जवान पहुंचे और उसके बाद से विपक्ष के विधायकों के साथ जमकर बदसलूकी की गई। आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उस समय ऐलान किया था कि दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वे विधानसभा में नहीं जाएंगे। यह सब बवाल शीतकालीन सत्र में हुआ था और अब मानसून सत्र की चर्चा शुरू हो चुकी है। चर्चा इसलिए शुरू है क्योंकि शीतकालीन सत्र में विपक्ष के विधायकों के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद से तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम सदन में उसी कीमत पर जाएंगे जब दोषियों पर कार्रवाई हो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद माफी मांगे। लेकिन दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है और मुख्यमंत्री की तरफ से कभी सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी गई। सवाल यह उठ रहा है कि क्या मानसून सत्र में विपक्ष मौजूद नहीं रहेगा? विपक्ष के विधायकों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता रक्षण का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। विधानसभा में एक अनुशासन समिति होती है। अनुशासन समिति का काम होता है कि विधानसभा में अगर किसी प्रकार का अनुशासन तोड़ा जाएगा तो वह इसके बारे में जांच पड़ताल करेगी और फैसला लेगी। विधानसभा में विपक्ष की महिला विधायकों तथा अन्य विधायकों के साथ बदसलूकी हुई तो उसके बाद से इसी अनुशासन समिति के बारे में कहा गया कि वो दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। हालांकि हैरानी तब होती है जब अनुशासन समिति के सभापति खुद बोलते हैं कि इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने उस समय कहा था कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बारे में अनुशासन समिति के सभापति राम नारायण मंडल से सवाल पूछा जा रहा है तो वह कहते हैं कि देखिए क्या होता है, मतलब कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है और विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी और मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम सदन में नहीं जाएंगे। आपको याद होगा कि उस समय विधानसभा के अंदर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल थी और इसे लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही थी। महिला विधायकों को पुलिस घसीट रही थी और यह सब कुछ पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। तब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने खुद कहा था कि दोषियों पर कार्रवाई होगी लेकिन अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हो सकी और अगर कार्रवाई हुई भी है तो किसी को इसकी जानकारी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का इस मामले पर कहना है कि जदयू की सरकार महिलाओं का सम्मान करती है। उनका कहना है कि विधानसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ उसका निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का है। दैनिक भास्कर इसके संबंध में विपक्ष के विधायकों से बात किया है जिसमें मंजू अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा के अंदर मार्शल मौजूद थे उसके बावजूद बाहर से पुलिस बुलाई गई थी। वे उस दिन को याद करते हुए बता रही हैं कि विधायकों को उठा उठा कर फेंक दिया गया था। उन्होंने सवाल पूछा कि जब हमें बॉडीगार्ड ले जाने की इजाजत नहीं थी तो फिर बाहर से पुलिस क्यों बुलाई गई। उन्हें भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई है। उनका कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का कहना है कि मानसून सत्र में राजद के विधायक शामिल होंगे या नहीं यह फैसला तेजस्वी यादव लेंगे। राजद विधायकों का कहना है कि उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 5 साल सदन में नहीं जाएंगे लेकिन अब आगे क्या फैसला लेंगे उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार उस समय भी कहा गया और अभी भी कहा जा रहा है कि यह सब कुछ सरकार की संरक्षण में हुआ था। महीनों बीत जाने के बावजूद इस घटना में कौन दोषी था इसका पता नहीं चल सका है और विधानसभा अध्यक्ष के कहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जब विधानसभा का मानसून सत्र नजदीक आ रहा है तो इस पर चर्चा एक बार तेज हुई है कि क्या विधानसभा में विपक्ष के नेता मौजूद रहेंगे या नहीं। दैनिक भास्कर ने मसौढ़ी से विधायक रेखा देवी से बातचीत किया जिसमें उन्होंने बताया कि हम विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास खड़े थे, हमें हटाने के लिए बदतमीजी की गई और साड़ी भी खींची गई। उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि विधानसभा के अंदर विधायकों के साथ इस सरकार में कभी ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल हमें देखना होगा कि आगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से सदन में उपस्थिति को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। जो फैसला तेजस्वी यादव का होगा उसी आधार पर राजद के विधायक भी निर्णय लेंगे। देखना यह भी होगा कि आगे अनुशासन समिति की तरफ से दोषियों पर कार्रवाई को लेकर क्या किया जाता है। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं प्यूचर सिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।